हेलो आज जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 542 संसदों में से 233 संसद ऐसे हैं जिन पर हत्या अपहरण बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं आरोपित हैं और वो संसद में हैं और 134 मानवता भलाई कार्य करने वाले संत राम रहीम वो जेल में हैं। इस विषय को लेकर के आज संत समाज के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया गया संत समाज के द्वारा और सभी कार्य पूर्ण होने के बाद आपके बीच में प्रेस वार्ता के माध्यम से जो कार्यक्रम था पूर्ण जानकारी रखने के लिए हमारे बीच में आज मौजूद है। एक बार मैं परिचय आप लोग करा देता हूँ। हमारे बीच में है निरंजनी अखाड़ा से महामंडेश्वर माँ अन्नपूर्णा भारती जी और उनके दाई तरफ हैं अघोरनी ओम साई गुरु माँ। बराबर है हमारे अखिल भारत हिंदू महासंघ से श्री अशोक पांडे जी। मेरे बाई तरफ हैं श्री पंडित अधीर कौशिक जी, आप हरिद्वार से आए हैं और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के संस्थापक हैं जिन्होंने इस कार्य में इस आंदोलन में अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। तो आगे हम लोग कार्यवाही शुरू करते हैं। माता जी पूरी जानकारी जो भी आज कार्यक्रम हुआ माननीय महामहिम जी को हमने ज्ञापन दिया और विशेष रूप से आगंतुक हमारे बीच में संत समाज के जो भी लोग आए हुए हैं और आप सभी लोगों का जो भी हमारे मीडिया कर्मी है मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। माइक दे दीजिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा थोड़ी और क्लियर आएगी थोड़ा यहाँ आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सनातनी होने के नाते आज हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि संत समाज पर जब कुछ उंगली उठती है और उसके बाद इस देश का कानून और संविधान जिस सजगता के साथ जिस गंभीरता के साथ और अतिशीघ्र होकर के जो निर्णय लेते हैं वो कितना न्यायपूर्ण है या नहीं। ऐसे में संत राम रहीम जी को लेकर के हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि गुमनाम चिट्ठी आती है उस गुमनाम चिट्ठी पर इस देश का संविधान कानून सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और हम दरकिनार कर देते हैं उन सब चीजों को जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं इस देश के उत्थान के लिए, चाहे वो सफाई अभियान को लेकर के काम हो, गलत धंधे में पड़ी हुई महिलाओं के उत्थान को लेकर के काम हो, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में और न जाने कितने रिकॉर्ड उनके नाम से जो है वो दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी गुमनाम चिट्ठी आज उन्हें सलाखों के पीछे किए हुए हैं। वहीं आप और भी देखेंगे कि इतनी लचरता या इतनी जागरूकता जितनी हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर के है वो कहीं और क्यों नहीं है। कौशिक जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूं? यही मौलवी सार ओवैसी कुछ भी बोलते हैं आप लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि ये देश का संविधान शायद पक्षपाती हो गया है और उनको ये अधिकार देता है कि वो तो कुछ भी कहे, वो फतवे जारी करे, वो किसी का भी सर कलम करने की बात करे, वो कितने भी गलत काम करे। इनके मदरसों में लगातार बलात्कार होते हैं, गलत चीजें सिखाई जाती हैं, जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है इनके धार्मिक स्थलों पर। वहीं पर हमारे संतों को षड्यंत्रकारी तरीके से फंसाए जाने के बाद फंसाया जाता है और अभी तक उनके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी को यहाँ पर क्लीन चिट दे रही हूँ। प्लीज इस बात को कोट करें, मैं या हम सभी लोग यहाँ पर किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं आए हैं, परंतु न्याय संगत पनिशमेंट होना चाहिए इसकी गुहार लगाने के लिए आए, उस इंसाफ की बात करने के लिए आए हैं कि क्या जो आरोप उन पर लगाया गया है उस आरोप के तहत जितने दिन से वो अंदर है क्या होना चाहिए, क्या उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए भी, और यदि वो दोषी पाए जाए तो बिल्कुल फांसी पर लटका दिया जाए। परंतु अनैतिक
उल्लंघन करते हुए या उनका मिसयूज करते हुए उस पावर का, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनीति हो, चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे वो हमारी कानून व्यवस्था हो, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। ठीक है, इंसाफ के लिए मेरा सभी से प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के न्याय व्यवस्था के जजों को लेकर के और राजनीति में बैठे हुए शीर्ष पर राजनेताओं से मेरा ये निवेदन है कि कृपया करके जितनी पनिशमेंट है उतनी दी जाए और उस पनिशमेंट के बाद जो है व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, एक पक्षीय होकर के दुराचार और अत्याचार न किया जाए और वो किसलिए न दिया जाए क्योंकि जो उनके अच्छे अच्छे काम है वो भी देखे जाए और यदि उनके साथ कार्रवाई हो सकती है तो वी आर गिविंग यू द एडीआर रिपोर्ट विच सेज कि आपके जितने सांसद हैं उन सांसदों में 200 समथिंग की गिनती है जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 3 तो ऐसे हैं जो महिलाओं को छेड़छाड़ के लेकर के बहुत गंभीर हैं, लेकिन वो सदन में बैठे हुए हैं तो वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। तो ये जो पक्षपाती रवैया है ये हमें मजबूर करता है आवाज उठाने के लिए। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ हमारे राजेश जी का जो जन अधिकार मोर्चा के माध्यम से कम इस पक्षपाती रवैये के खिलाफ जो है बोलने में अपना पूरा प्रयास किए हुए हैं और हमें भी अवसर दे रहे हैं और हम जो लोग हैं वो सत्य के साथ हैं। अगर कहीं पर दोषी हैं हमारे संत तो ठीक है आप बिल्कुल फांसी दीजिए, परंतु पहले उन्हें दोषी साबित कर दीजिए। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज नेक्स्ट कोई और नहीं और किसी ने बोलना वो भी बात अपने बोल सकते हो लास्ट में फिर क्वेश्चन हां बात में मैं तो हम यही बात करना चाहते हैं कि आज इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने काम किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन में ब्लड डोनेशन करने का काम उन्होंने किया जो कि सेना के लिए गया, नेत्रदान शिविर लगाए तो एक दिन में सबसे ज्यादा नेत्रदान उनके शिविर में हुए, सबसे ज्यादा लोगों ने MSG नाम की राखी जब चली तो उनका एक अपनी उन्होंने जो फूड चेन चलाई तो वो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई। ऐसा व्यक्ति इतने छोटे से अपराध में इतने दिन से जेल है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और आज उसी की एक शुरुआत है और बहुत जल्दी इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा। कम से कम सामाजिक चेतना पैदा करने वाले व्यक्ति को तो अंदर नहीं होना चाहिए। आज यहाँ नव दिल्ली में बैठे हैं आप, यहाँ के शाही इमाम हैं, उनके खिलाफ 35 गैर जमानती वारंट चल रहे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये मजबूरी जो दिल्ली पुलिस की या भारत की कानून व्यवस्था की दिखाई देती है ये मजबूरी और लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाई देती। आज हिंदू समाज के ज्योतिर्लिंग पर मुसलमानों को दुकान खोलने की अनुमति देता है सुप्रीम कोर्ट तो उनको जायज लगता है, जेंडर जस्टिस उन्हें दिखाई देता है सबरीमाला में तो उनको जायज लगता है लेकिन वो अगर हिंदुस्तान में मुसलमान और महिला और पुरुष एक साथ नमाज भी पढ़ सकते वो जेंडर जस्टिस उनको नहीं दिखाई देता। तो ये जो कानून व्यवस्था का दोहरा चरित्र है ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। हमारे संत राम रहीम जी ने इस समाज के लिए जो योगदान दिया है उसको भी देखना चाहिए। आज जिस व्यक्ति के 5 करोड़ फॉलोअर हैं, मैं मतलब माफी चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसकी आवाज पर 5 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं, लेकिन पूज्य राम रहीम जी के नाम पर 5 करोड़ लोग खड़े होते हैं। कोई ऐसा संत अभी तक नेता नहीं हुआ होगा जिसकी गिरफ्तारी पर दंगे जैसे हालात पैदा हो जाए लेकिन उनके भक्तों ने आंदोलन की चेतावनी दी, उनके भक्त वहां पर खड़े हुए, सुनियोजित तरीके से सरकार ने जो है वहां पर दंगे का माहौल पैदा कर दिया, वरना गुरु के भक्त जो है कोई भी दंगा करने वाले लोग नहीं थे, वो सब उनके सम्मान में वहां पर आए थे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे लेकिन सरकार ने उनको बदनाम करने के लिए वहां पर दंगे का माहौल बना दिया। तो ये भी चीज देखनी चाहिए कि एक व्यक्ति के समर्थन में जब इतने करोड़ लोग खड़े होते हैं तो व्यक्ति इतना सरल नहीं है। तो मेरा यही मांग है आज जो ज्ञापन के माध्यम से कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो भी आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। बहुत सारे नेता हैं जिन पर अभी तक मुकदमे हैं और उनकी जांच 30-35 साल हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे बहुत बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो भी जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे लोग अभी सरजीत इमाम एक व्यक्ति है जिसने देशद्रोह के नारे दिए यही JNU में भी और अलीगढ़ AMU में भी कि हम इस देश की रेल की पटरियों में इतना खून और बवाल भर देंगे कि देश विभाजन, उनको भी जमानत मिल गई वो भी जेल से बाहर आ गए। तो ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया। तो निश्चित रूप से
ये राम रहीम जी के साथ जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है, ये अपराध नहीं है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की उनको जेल में रखे हुए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द रिहा करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि अगर कोई हिंदू संत हो या पादरी हो या कोई मौलाना हो, अक्सर भेदभाव देखा जाता है, अगर हिंदू संत है तो उसे समाचारों की बात करें या जो भी एक बड़ा सड़क होता है, अगर वैसा ही अगर यौन अपराध कोई पादरी करता है या कोई मौलाना करता है तो बिल्कुल दब जाती खबरें। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं, सिस्टम को, राजनेताओं को, मीडिया को या समाज को? देखिए, अभी बहुत पहले हमारी महामंडलेश्वर जी ने कहा था कि निश्चित रूप से हम इस सबके लिए हमारे देश के संविधान को दोषी मानते हैं। संविधान जिस जहां आज हम लोग भाईचारा और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, एक समानता की बात करते हैं, वही संविधान हमें धर्म के हिसाब से अधिक पावर किसी को ज्यादा देता है, किसी को सुविधाएं ज्यादा दे रहा है, किसी को फ्री एजुकेशन देता है, किसी से पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। तो ये जो सामाजिक वैमनस्यता जो पैदा हुई है, ये जितना भी भेदभाव हो रहा है, इन सबका दोष कहीं ना कहीं षड्यंत्र तरीके से भारत के संविधान में है। आज की स्थिति ये है कि इन सब चीजों से बचने के लिए भारत के संविधान का जो है पुनर्मूल्यांकन होने की बहुत आवश्यकता है। मैं अगर दोषी आप कहेंगे एक शब्द में, तो मानता हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। चलो कमल भाई आगे। तो क्या लगता है आपको भी कोई आपको भी बॉर्डर घेर के बैठने चाहिए उनकी रिहाई के लिए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता है जी, और समय आएगा क्योंकि स्थितियां हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सी समस्याएं हैं। अभी तक हम शांति से रहे, लेकिन कहते हैं संगठन में शक्ति है। जिस तरीके से किसान बिल वापस हुए हैं, तो मैं तो यही आह्वान करना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से कि राम रहीम जी के जितने भी भक्त लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से फिर से आए, और आंदोलन में शक्ति होती है, और अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो दोबारा से ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारे सांसद बैठे, कुछ सांसद उन पे भी गंभीर आरोप है और वो संसद में भी बैठे हुए हैं, क्या आपको लग रहा राम रहीम पे भी उनको किसी कारण या किसी उससे झूठे उसमें फंसाया गया? देखिए, झूठ सच का मैंने अभी यही कहा कि आई एम नॉट द अथॉरिटी टू गिव हिम अ पीटीएम चिट, बट हां, हम अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ने के लिए उन्हें मौका तो दे। एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है और आरोप सिद्ध कर दिए जाते हैं। वो गुमनाम चिट्ठी में कौन व्यक्ति है, क्या है, कहां से, अभी तक किसी को कुछ पता है, कुछ नहीं पता। तो लेट हिम कम, उनको अवसर तो देना चाहिए इस देश के संविधान और कानून को कि वो बाहर आए और फिर अपनी बात रखें, ठीक है ना। कैदी को भी कहा जाता है ना, मर्डर करने के बाद भी एक बार तो बेल मिलती है ना, फिर बाद में है ना अंतिम इच्छा भी होती है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, गुमनाम चिट्ठी के आधार पर जिस तरीके से आपने उनको अंदर कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, उल्टा उनका अंदर इतना दर्शाता है कि कुछ लोगों का षड्यंत्र हो सकता है। संविधान ही एक एक संविधान जो हमारे भारत का संविधान है, वो एक सबको एक अधिकार देता है कि अगर आपके साथ कोई कानूनी चोट होती है तो आपको वकील करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या इस प्रक्रिया में वकील का रोल है क्या सामने? देखिए जी, आप बात करिए कि इस बात को लेकर। नहीं, बिल्कुल वकील से बात की जाए, लेकिन प्लीज मैं माफी चाहती हूँ, कानून और संविधान तो बहुत कुछ कहता है लेकिन भेदभाव तो होता है ना। हम अगर कुछ कह दें तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, और एक विशेष धर्म का कोई व्यक्ति कुछ भी बोले वो सरेआम खुला घूमता है, ठीक है ना। इस देश का सिस्टम कैसे चल रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमें भी पता है कि कुछ एक अपराध ऐसे होते हैं जिसमें हाथ की हाथ जो है जमानत मिल जाती है। मैं खुद उसमें जेल काट के आया हूँ दो बार, कौन सा 125। यहाँ जंतर मंतर पे भी अभी संविधान को लागू करने के लिए मांग हुई थी, तो चार युवा हमारे दो दो महीने की जेल, दो महीने की जेल, नीचे की जो भी है उनमें थाने से जमानत देने का प्रावधान है, हाई कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कहीं कोई उसमें दोहरा नहीं। क्या क्या आपको लग रहा है खाली साधु संतों पे ही ऐसे आरोप लगाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, साधु संतों पर और हिंदू समाज के जो भी अग्रणी हैं उन लोगों पर आरोप लगा करके निश्चित रूप से इसको एक जिहादी मानसिकता कहें या एक वामपंथी सोच, ये दोनों एक साथ जब मिक्स होती हैं तब सनातन के जो चाहने वाले, सनातन को जो अग्रणी लोग पढ़ाने वाले हैं, उन लोगों पर आरोप लगा करके उनको राबत करके। आप एक कॉमन सेंस की बात बताइए, जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो,
हर तरीके से सक्षम हो। वो व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा जो अपने पूरे किए धरे पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है? आप खुद सोचिए, चाहे वो आसाराम बापू की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी बिल्कुल, तो क्यों? अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें, वहां पे सभी हिंदू हो या साधु संत हो, सब एक हो गए, मगर राम रहीम के उसमें क्यों एक नहीं हो रहे? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। कई बार व्यक्ति डर भी जाता है, कई बार व्यक्ति ये डर जाता है कि हमें पता नहीं वो गलत है या सही है, हमें कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल केस तो यहाँ सदन में बैठे हुए सबके ऊपर है, जाके देखिए ना वो क्यों सदन में बैठे हैं, जेल सराखों के पीछे क्यों नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये है, लेट हिम गिवन द चांस टू कम आउटसाइड एंड गिव हिज एक्सक्यूजेस व्हेदर ही इज राइट और रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा ये नहीं कि मैं उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, पर ये अत्याचार है, ये अत्याचार है कि गुमनाम चिट्ठी के आधार पर उन्हें तब से अंदर किया हुआ, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, उन्हें बाहर आने दिया जाए और उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। यानी कि आप लोगों को कानून पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमें विश्वास नहीं है, कानून जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उससे विश्वास उठ रहा है। अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विश्वास करें और कानून उन्हें छोड़ दें, लेकिन जिस तरीके का रवैया कानून अपना रहा है तो ऐसे में तो कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अगर उस कानून की आप बात कर रहे हैं जो आतंकवादी और बलात्कारियों के लिए रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है और राम मंदिर की बेंच बनाने के लिए 10 साल लग जाते हैं, उसी कानून पर विश्वास रखते हैं? किस कानून पर विश्वास है? जो कानून बलात्कारियों को सदन में पहुंचाने के लिए परमिशन दे देता है और साधु संन्यासियों को जमानत तक नहीं दे रहा है, उस कानून को? एक बलात्कारी और मर्डरर जेल से चुनाव लड़कर के सदन में बैठ जाता है आकर के, और संसद सदस्य जेल में रहते हुए बना रहता है, और वही एक सन्यासी जो सभी अच्छे काम करने के बाद जेल में है उसको बाहर आने की अनुमति नहीं मिलती, उस कानून पर विश्वास करें? दिक्कत ये कानून की जो असमानता है, हम आज जो है इक्वल कानून की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना, इन्हीं चीजों के लिए कर रहे हैं कि आज जो सिस्टम चल रहा है इससे विश्वास उठ रहा है, उनकी हरकतों से उठ रहा है। हम इसको ब्लेम नहीं है, ये उनकी खुद की हरकतों से कि आप 1:30 बजे जब कोर्ट खोलते तब आपको नहीं दिखाई देता आप किसके लिए खोल रहे हैं, वो कौन था? वो बलात्कार का ही तो आरोपी, निर्भया का आरोपी तो था, इसके लिए रात को 2:30 बजे बेंच खोली गई, तो निश्चित रूप से विश्वास रखता है। कितने दिन हो गए उसको जेल में? 5 वर्ष हो चुके हैं। मैडम आप कुछ कहेंगे? देना मैडम, मैं तो बस इतना ही कहूंगी जितना अभी तक सुना कि अगर आरोपी हैं तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और अगर अच्छे काम करे हैं तो उसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि हर बाप जो दिल से सबको लगा के बच्चों को रखता है वो कई बार 98 गुना माफ कर देता है और 2 नेकियों पे सारे काम कर देता है। अगर इतने अच्छे काम उन्होंने किए हैं राम रहीम जी का, देखो एक तो मैंने बहुत अच्छा सुना है कि वो मजहब से मतभेद नहीं करते थे, और देखिए आज एकता से ही हमारा हिंदुस्तान खड़ा है। हम कितना भी कह रहे मुसलमान गलत है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन इन चारों धर्मों से ही हमारी कटोरियां चल रही हैं, विश्व सब में है, सारे धर्मों में है। राम रहीम जी ने हमेशा चारों धर्मों को लेके ही हर काम किया है। इतिहास से आप उठा के देख लीजिए, उनका परिचय वहीं से शुरू होता है, राम और रहीम, उनके नाम से ही उनका सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मोहलत मिले और उसको अपनी गुहार लगाने के लिए थोड़ा सा समय मिले तो ये बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी ये रीति रिवाज है कि अगर गलती की है तो उसकी माफी तो होनी चाहिए, गलती है तो माफी होनी चाहिए, और कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जल्दी सामने आ जाती हैं और कुछ लोगों की गलतियां ऐसी हैं जो देर में सामने आती हैं। तो बस यही है कि एकता के अनुसार जो चलता है, और हमारी राजनीति में बात करें तो राजनीति में बाप अगर है जो भी अभी, तो बेटा तो अपने बाप से ही कहेगा ना, गुजारिश तो करना सबके लिए बनती है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी उनके लिए है, अगर बाहर आने का अगर गलती उन्होंने करी है तो बिल्कुल साबित होती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा? देखिए धर्मों की बात करेंगे तो हिसाब तो खत्म ही हो जाएगा, हर धर्म के 25% उठ के बोलेंगे ये सही है, 25% बोलेंगे ये गलत है। तो हमारे हिसाब से तो देखिए हम इतना ही अभी कहेंगे कि अगर उन्होंने गलती की है तो गुनाह साबित है तो वो जहाँ है बिल्कुल सही है, और अगर गुनाह नहीं है तो फिर उन्हें एक बार बाहर आना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई मैंने गलती नहीं की, या अगर की है तो कैसे स्थिति में, है ना?
तो हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि धर्मों को लेके अगर हम बात करें तो राम रहीम ने हर धर्म के लिए सब कुछ किया। राम रहीम जी के कैसे, मैं एक बार श्लोक सुन रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि धर्म से ऊंचा इंसान है, धर्म से ऊंचा इंसान है और इंसान से ऊंचा ऊंचा उसका कर्म है। तो उनके कर्म को भी ध्यान में जरूर रखें, कुछ भी बातें करें लेकिन उनके कर्म को हम नहीं बुरे कर सकते। एक सवाल और, जिसे अभी आपने कहा गुमनाम चिट्ठी का आपने हवाला दिया, उसी तरह आज एक गुमनाम फोन भी आया था आप लोग के संबंध में, थाने फोन गया था कि आज कुछ विवाद हो सकता है, तो आपको लगता नहीं कुछ साजिश ऐसी है? बिल्कुल, सारी चीजें साजिश के तहत तो हो रही है। साजिश ना होती तो राम रहीम जी इतने दिन से अंदर थोड़ी होते हैं। आप देखिए ना, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बाहर आए और सत्य बाहर हो। अच्छा, इसीलिए आप लोग वो फोन नहीं, वो व्यक्ति भी आया था। मेरा वही है, आप क्या उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत करेंगे कि जिसने आप लोगों के खिलाफ कहा कि आप लोग आज विवाद करेंगे या कुछ गलत करेंगे? तो आप देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी का हमारे पास फोन आया कि किसी अनजान व्यक्ति ने फोन किया है पार्लियामेंट थाने कि यहाँ पर कुछ राम रहीम के लोग 4-5 बजे लगकर यहाँ पर आने वाले हैं और वो हंगामा करने वाले हैं। लगातार सभी प्रशासन सतर्क रहा और परंतु हम लोग सभी संपर्क में थे, सभी संत समाज के लोग थे, हम लोग लगातार संपर्क में थे और सभी प्रशासन हमारे साथ रहा है। दिल्ली पुलिस की सवाल ये है, जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश आज भी की गई, क्या आप लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ऑलरेडी शिकायत हो चुकी है, उसकी शिकायत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी जो हमारे साथ इंस्पेक्टर गए थे उनको बकायदा सारी चीजें नोट करा दी गई है। वो व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आया था, ये तो भाई साहब का सौभाग्य है कि वो आज यहाँ नहीं बैठा है। वो व्यक्ति भी भेष बदल करके यहाँ बैठ जाता तो शायद है कि हम भी मिशन लेकर के चल रहे हैं, ये आज यही खत्म हो जाता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो पहले क्लियर हो गया और उसको जब हमने बाहर निकाल दिया टीम से तब उसने ये हरकत की है। प्रेस भी होंगे सारी कि आपके साथ भी कुछ गलत लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, मिले नहीं, वो अभी हाल में ही अटैच हुआ था, आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस मिशन को षड्यंत्रकारी तरीके से डिफेम किया जा रहा है। तो ये डिफेम करने के लिए उस व्यक्ति की एंट्री दी गई थी क्योंकि हमने बाहर किया तो उसने ये काम किया। लेकिन अब वो अभी सारी डिटेल आपको हम नहीं जानते वो कहां से है, लेकिन लगातार उसने जो फोन किए और यहाँ पर प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को गलत जानकारियां दी कि इस तरह से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सामाजिक लोग हैं और हंगामा करेंगे, तो उसकी हमने जाकर अपने माताजी के द्वारा हम लोगों ने सूचना मिली है। इसी उसमें एक दूसरा नाम जो भी चल रहा है, बात आई आशाराम बापू जी का भी, आशाराम बापू के साथ भी यही चल रहा है कि उनके केस अभी तक स्पष्ट नहीं है और उनको जमानत नहीं मिली, वो भी जेल में है। आज इस उम्र पर व्यक्ति जो है जेल में है, तो ये कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र तो साफ दिखाई दे रहा है, हम उसको नजरअंदाज करिए गलत। अरे सर, क्या लगता है आपको, अगर मान लो फैसला नहीं आता तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अभी आप ही ने बताया ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो आंदोलन करना पड़ेगा ना। किस स्तर पे आप आंदोलन करेंगे? इस स्तर पे छोड़ स्तर पर जाएगा किसी भी स्तर पर जाएगा। राजेश जी, आपसे क्वेश्चन है, जन अधिकारी के द्वारा आपने एक मुहिम चलाई है और हम देख रहे हैं आज काफी साधु संत भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी और किस तरह आप राम रहीम की आवाज को आगे उठाएंगे, तेज करेंगे? देखिए, ये जो आंदोलन है संत राम रहीम जी की जय के लिए जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसका आज संक्रांत यहाँ आपके माध्यम से किया गया, और यह आंदोलन संपूर्ण आंदोलन संतों के नेतृत्व में, संत समाज के नेतृत्व में चलेगा। और आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को उन्होंने ज्ञापन देके इसका प्रारंभ किया है। अभी जो भी संत समाज का समय होगा, कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और कुछ समय पश्चात फिर संत समाज की मीटिंग होगी और उसमें आगे हम लोग योजनाबद्ध तरीके से। बताइए कि इस मुहिम में कौन-कौन से संत समाज जुड़ा? देखिए, सभी लगातार जिन लोगों से हमें संत समाज से संपर्क हो रहा है हमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो राम रहीम जी के संबंध में अफवाहें फैलाई गई और मीडिया ने भी फैलाई, देखिए आप लोग मीडिया से हैं परंतु मीडिया में बहुत गलत तरीके से उनको दिखाया गया तो लोगों की आंखों पर वही पट्टी चढ़ी हुई है। परंतु जो हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लगातार हम लोग संत समाज से मिल रहे हैं और सच्चाई से उनको अवगत कर लगातार संत समाज राम रहीम जी के समर्थन में आ रहा है। क्या आम जनता भी जुड़ी हुई है आपके साथ? जी बिल्कुल, आम जनता भी आएगी और समय आने पर आम जनता भी सड़कों पर आएगी। जी, सब रिलीज हो गया है, कोई प्रॉपर्टी सीज नहीं है। जी,